क्या फिर से हो रही है नोटबंदी? दोस्तों देखिए, एक बार फिर से डीमोनेटाइजेशन का खतरा मंडरा रहा है, पर इस बार डरने की बात नहीं है क्योंकि इस बार बारी है 2000 के नोट्स की। और ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे हो रहा है। चलो देखते हैं कि हो क्या रहा है आखिर। दोस्तों दोस्तों क्या 2000 के नोट फिर से बंद होने वाले हैं? क्या एक बार फिर से नोटबंदी होने वाली है? चलिए दोस्तों जानते हैं क्या होने वाला है, आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया है। तो दोस्तों बताऊं, नंबर वन, आरबीआई ने सबसे पहला कदम जो उठाया है वो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के जो एटीएम है वहां से 2000 के नोट बंद कर रहे हैं। अगर आप दूर दराज किसी गांव में जाके अगर पैसा विड्रॉ करेंगे तो वहां से आपको 2000 के नोट नहीं मिलेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, आपको याद होगा कि नवंबर 2016 में जब ये नोट बंद हुए थे, जब 500 के नोट बंद हुए थे, 1000 रुपये के नोट बंद हुए थे, तब उसके बाद 2000 रुपये का नोट इन्होंने लॉन्च किया था। और 2000 रुपये के नोट लॉन्च करने के बाद आपने देखा कि हर जगह बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ हो रही थी उस 2000 के नोट का खुला पैसा कराने के में, तो उसका जो छुट्टा पैसा वो कहीं नहीं मिल रहा था। दोस्तों इस वजह से अभी भी लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है 2000 के नोट का चेंज कराने में। तो अब भारत सरकार ने डिसीजन लिया है, अभी तक ये क्लियर हुआ नहीं है, बट भारत सरकार ने डिसीजन लिया है। आरबीआई ने बोला है कि वो धीरे धीरे 2000 के नोट को वापस ले रही है। जैसे स्टार्ट किया इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, अभी ये त्यौहार का सीजन निकल जाएगा तो उसके बाद सारे एटीएम से 2000 रुपये के नोट विड्रॉ कर ले जा रहे हैं, उनकी जगह आपको 100 रुपये के, 200 रुपये के और 500 रुपये के नोट मिलेंगे। फिर धीरे धीरे ये मेट्रो सिटीज़ में भी होगा, 2000 रुपये का नोट अब धीरे धीरे गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। पर हाँ, अभी बंद नहीं किया है ताकि लोगों में इस तरह की अफवाह ना फैले कि 2000 का नोट बंद होने वाला है और लोगों में भगदड़ ना बचे आम जनता में। इसलिए इन लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि जो दूर ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से ये 2000 रुपये का नोट एटीएम से हटा रहे हैं, उनकी जगह पे खुले पैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये रख रहे हैं। उसके बाद मेट्रो सिटी में, दिल्ली वगैरह जो भी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ से भी धीरे धीरे एटीएम से 2000 रुपये के नोट निकाल लिए जाएंगे। और एक ऐसे टाइम पे आके 2000 रुपये का नोट बंद करने का अनाउंस किया जाएगा जब 2000 रुपये के नोट की किसी को ज़रूरत नहीं रहेगी, जब सबके पास खुले पैसे होंगे 500 और 200 और 1000, 100 रुपये के नोट से जब काम चल जाएगा। तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि ये जो न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ ये न्यूज़ 18 हिंदी के उस पे आधारित है, तो उन लोगों ने ये आर्टिकल छापा है अपने उस पे, अपनी साइट पे, तो उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2000 रुपये का नोट जल्दी बंद होने वाला है। तो अगर आपने 2000 रुपये के नोट अपने गुल्लक में, पिगी बैग में, कहीं पे भी संभाल के रखे हैं तो आप धीरे धीरे उनको चेंज कर लीजिए। 2000 रुपये के नोट को 500 या 200 या 100 रुपीज़ के नोट से चेंज कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि 2016 की तरह सडनली एक दिन आपको पता चले कि 2000 का नोट बंद हो चुका है और फिर आपको बैंक की लाइनों में लगना पड़े। तो दोस्तों ये थी अपडेट आज की। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इजाज़त दीजिए, ऐसी और अपडेट लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा जल्दी। धन्यवाद।